अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फूड चखारा। आज भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छी मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं। बड़ी सिंपल है और बहुत ही इसके बारे में कहा जा रहा था, कई लोगों ने मुझसे कहा था कि आप ये बनाएं, और आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का रायता। ये जो एक सब्ज़ी है बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसको लौकी भी कहते हैं, इसको हमारे मकामी ज़बान में घिया कद्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉटल गोर्ड। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है और बहुत कम कैलोरीज होती हैं इसमें, और इसका रायता बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत यहाँ पे शौक से खाया जाता है। हम आपको आज इसका रायता बनाने जा रहे हैं। ये लौकी के रायते के लिए जो हमें अज्जा चाहिए वो आपको बताते हैं। इसमें दही हम इस्तेमाल करेंगे, अराउंड अबाउट 1 kg हम इसमें दही लेंगे, और इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल करने हैं वो हैं रेड चिली फ्लेक्स, तड़का हमें बाद में लगाएंगे, और उसके लिए हमें चाहिए लहसुन के जवे 3 से 4 अदद। फिर हम तड़के के लिए ही हमें ये करी पत्ता चाहिए, और ये हम इसमें सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम ब्लैक पेपर इस्तेमाल करेंगे 1 teaspoon, और 1/2 teaspoon ये ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक, ग्रीन चिली इस्तेमाल करेंगे, और ज़ीरा यानी क्यूमिन्स 2 teaspoon। इसके अलावा हम ग्रीन जो इसमें स्पाइसेस हैं उसमें मिंट लेंगे, ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया, और 2 छोटे जो हैं प्याज, और 1 से 2 टमाटर चाहिए इसमें। तो ये तो इसके टोटल अज्जा हैं, और आइए हम आपको बताते हैं इसका तरीक़ेकार। नाज़रीन, अब हमारा जो सबसे पहला मरहला वो ये होगा कि हमने इसको बॉईल करना है इसके पीसेस करके। एक तरीका तो यह था कि हम इसे कटिंग करके इसको बॉईल कर लें और ग्राइंड कर लें, लेकिन उससे बेहतर तरीका ये है, आगे हम बचेंगे ग्राइंडिंग से, वो ये है कि हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो हमें बॉईल करके सीधा ही हम उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसको कद्दूकस करते हैं। जी नाज़रीन, ये हम कद्दूकस कर रहे हैं। इस तरह हम जितना हमने बनाना है उस हिसाब से हम इसके पीस कर लेंगे। बाद में हमें इसके लिए हमें इसको ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा, और थोड़े थोड़े पीस आते हैं ग्राइंड में बिल्कुल ही वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो मुझे ज़रा थोड़ा सा पीसेस मुंह में आए तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। बाकी अपनी अपनी पसंद है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अब हम थोड़ी देर के लिए इसको बॉईल करेंगे, और बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है ये सब्ज़ी। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के इसको हम बॉईल कर लेते हैं ये, ताकि जल्दी से ये हो जाए, और उसके बाद हम इसको दही में रायते में मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। जी नाज़रीन, हम थोड़ी कटिंग करते हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था प्याज भी डालनी है और इसमें टमाटर भी डालेंगे, तो हम इसको काट लेते हैं। इसको बड़ा फाइन किस्म की कटिंग करनी है इसकी, तो प्याज को भी हम फाइन कटिंग कर लेते हैं, बारीक बारीक छोटी छोटी प्याज है ना, बहुत अच्छी लगेगी। हम इसको ज़रा खागीना के स्टाइल में, बल्कि छोटे स्टाइल में काटेंगे, छोटे पीसीस में करना है, ताकि छोटे छोटे जो प्याज के पीसीस जब आएंगे मुंह में रायते में तो बहुत टेस्ट देते हैं ये, इसलिए हमने 2 दरमियाने और छोटे प्याज लिए हैं, इनका बहुत टेस्ट होता है। लेकिन ये लाजमी हिस्सा नहीं है इस रायते का, ऑप्शनल है, लेकिन ये मैंने देखा है जब हम ये चीज़ें मिक्स करते हैं तो रायते का टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। जी नाज़रीन, ये टमाटर भी हम काटते हैं बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई लाजमी हिस्सा नहीं है लौकी के रायते का, लेकिन ये अच्छा टेस्ट देंगे। टमाटर और प्याज बहुत अच्छे टेस्ट इसका दुबला कर देते हैं, और वैसे भी अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो इसकी गज़ाइत भी बढ़ जाएगी। जी नाज़रीन, ये हमने बॉईल करके इसको निकाल लिया, थोड़ा सा ठंडा कर लिया, बहुत गर्म था, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आए हैं। थोड़ा सा इसको हमने निचोड़ा भी है, पानी इसका छान लिया है, अब ये ड्राई हो चुका है। अब हमारा मरहला आता है मिक्सिंग की तरफ। हम हमारा जो दही है हम इसको थोड़ा सा विस्क के ज़रिए इसको मिक्स करते हैं, ये हम इसको फेंट लेते हैं। अच्छा, बात लोग जो है ना वो कोई मशीन लेके ग्राइंडर में रख के इसको फेंटते हैं, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसा करें, क्योंकि जब हम मशीन के ज़रिए करते हैं तो ये बिल्कुल पानी छोड़ देती है दही, तो हमने उस तरफ नहीं जाना है, गाढ़ा दही जो है वो ज़्यादा टेस्टी रहेगा। आइए हम आगे मिक्स करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नारे, जी नाज़रीन, हमने इसमें लौकी जो हमने बॉईल की थी, जो हमने मैश की हुई थी, जो हमने निकाली थी कटिंग करके, हमने डायरेक्ट इसमें मिक्स कर दिया। बाकी चीज़ें भी मिक्स करते हैं। इसमें प्याज डालते हैं और थोड़े से टमाटर, बाकी टमाटर हम थोड़े से ऊपर से रखेंगे ताकि खूबसूरत लगे। यह हम रोक लेते हैं जी, और थोड़ा सा हम इसमें पुदीना मिक्स करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम इसमें मसाले डालते हैं। काला नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, इसमें लेंगे काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, नमक नॉर्मल जो आम खाने का नमक होता है वो भी हंस पे जायका होता है, तो क्योंकि हमने काला नमक डाला है इसलिए हम थोड़ा ही डाल रहे हैं तकरीबन। ये रेड चिली फ्लेक्स थोड़ी सी मिक्स कर लेते हैं, और ये ज़ीरा हम डालेंगे, थोड़ा सा कच्चा डाल देते हैं लेकिन इसका जो असल टेस्ट है वो तड़के में आएगा, हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। बाकी हमारी चीज़ें तड़के में हैं, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। जी नाज़रीन, अब मरहला बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हम पहुँच चुके हैं लौकी के रायते के लिए, और अब हम तड़के का मरहला आता है, तड़का लगाएंगे। इसमें हम थोड़े से लहसुन के जब हमने बारीक बारीक काटे हैं ये हम लेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। और इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा डालना है तकरीबन 2 टीस्पून के डाल दें, और ये एक खूबसूरत स्मेल देगा, बहुत मज़ेदार सी स्मेल आएगी। और हम इसमें ये थोड़ा सा, इसमें हम या तो रेड चिलीज़ भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर रहा हूँ, रेड से ज़्यादा ग्रीन चिली ज़्यादा मज़े की लगती हैं, तो ये भी अपना टेस्ट देंगे। इनमें ग्रीन चिलीज 2 आप ले लें और इस तरह काट के डाल दें, और ये मेरे घर का करी पत्ता है, कुछ हम इसमें करी पत्ता डालते हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। ये अब हम करी पत्ता इसमें डाल रहे हैं, और करी पत्ता जो है बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टच देगा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तड़का हमारा तकरीबन तैयार है जी नाज़रीन, और आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा था। और अब हम ये तड़का अपने रायते में डालते हैं। जो हमारा तड़का था वो तैयार हो गया था, अब हम इसमें डालेंगे, और हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। वाओ, ज़बरदस्त लुक भी अच्छी है, और गज़ाइये से भी भरपूर है, और टेस्ट भी बहुत आला है। आपको पता है ये बहुत बहुत ज़बरदस्त बन चुका है। हमारा ये रायता तैयार है, हमने थोड़े से टमाटर बचाए थे वो भी हम मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा लुक अच्छी आए तो हमने टमाटर भी डाल दिए, और रायता भी तैयार है। और इसके बाद हम इसमें इसका थोड़ा सा पुदीना छिड़केंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें, और थोड़ा सा धनिया। जी नाज़रीन, आज की मज़ेदार सी डिश हमारा लौकी का, घिया कद्दू का, या बॉटर गोर्ड का जो रायता है वो बिल्कुल तैयार है। कितनी खूबसूरत लुक आई है, गज़ाइयत से भरपूर है, बहुत अच्छी है, और इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है, और ये ख़ुद भी एक पूरी एक ग़िज़ा है, ख़ुराक है। और बाद लोग जो हैं उनको बाद बहुत ही लाइट और डिफरेंट चीज़ खाने का दिल करता है, तो हम ये भी बना के पूरी एज ए डिश इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये डिश बहुत पसंद आएगी, तो हमें आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आइंदा एक और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो अपने होस्ट मेज़बान अख्तर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।